हेलो व्यूअर्स, और सभी का फिर से चैनल पे स्वागत है। लेके आ गया हूँ और एक बायनोकुलर आपके लिए, और ये भी बायनोकुलर आया है ब्रेसर की तरफ से। ब्रेसर एक जर्मन ब्रांड है, आपको सभी को पता है, तो इस पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जर्मन में लिखे हुए, तो मुझे भी थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है पढ़ने में, बट इंग्लिश में भी मेंशन है, सो वो मैं बता दूंगा व्हाट एवर उन्होंने जो लिखा है। सेकेंड थिंग, इसका नेम भी थोड़ा सा मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा मुझे प्रिश प्रिश या पोर्श बोलना है, वो तो कंफ्यूज हो गया था। सो इट्स अ प्रिश 8x42 बायनोकुलर है। सो प्रीमियम, थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी आई कैन से कि दिखने में मुझे भी तो फिलहाल दिख रहा है। मैंने बॉक्स अभी तक ओपन नहीं किया, तो आपके लिए भी अनबॉक्सिंग वाला एक्सपीरियंस करते हैं। बट उसके पहले थोड़ा सा बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है, क्या क्या मेंशन है, वो मैं अभी आपको ओवरऑल बता देता हूँ। सो दिस इज 8x42 जो है, 8x इसका रहने वाला है जूम, और 42mm का उसका प्राइमरी जो मिरर है, फ्रंट वाला जो मिरर रहने वाला है, वो 42mm का रहने वाला है। सो 8x42 दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे इन्होंने पीछे मेंशन किया है कि अराउंड 7.14 डिग्री का आपको ये व्यूविंग एंगल देने वाला है। जब आप इस बायनोकुलर से ऑब्जर्वेशन करने वाले, तो काफी वाइड फील्ड आपको दिखाने वाला है। और ये जो बायनोकुलर है हमको प्रोवाइड किया है मॉडर्न टेलीस्कोप ने, तो मॉडर्न टेलीस्कोप की हेल्प से ये वीडियो बन रहा है, तो मैं उनका थैंकफुल हूँ, आभारी हूँ। सो इसके साथ हमको मिलने वाला ये कैरिंग केस में ही आ रहा है। देन यहाँ पे यू कैन सी बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे एक ब्रेसर का स्ट्रैप है जो बायनोकुलर को होल्ड करेगा। कुछ ब्रेसर की जो बायनोकुलर उसके मैनुअल्स है, कैसे यूज करना, क्या यूज करना है, सन को देखना है या नहीं देना, पोरो प्रिज्म है बैक या फिर रूफ प्रिज्म है, ये सब यहाँ पे क्या होता है वो यहाँ पे इन्होंने बताया। और इसके साथ क्लीनिंग क्लॉथ भी दिया है। सो फिलहाल तो यही मटेरियल है, अभी हम लोग क्लोजअप दे देता हूँ। ये इसके ऊपर कुछ फेस कोटेड लिखा है, ये एडी नहीं है लेकिन इसमें फेस कोटिंग है, तो फेस कोटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है मैं बाद में बताता हूँ। बट ये बाइनोकुलर जो है ओवरऑल आपको लुक दे देता हूँ कि ये जब होल्ड कर रहा हूँ तो इसका वेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया अराउंड नेट वेट 640 ग्राम के आसपास है। यहाँ पे 640 मतलब 650 ग्राम के आसपास है, आधा किलो से थोड़ा अप है। देन यहाँ पे इन्होंने कैप्स दिए हैं, यहाँ पे ब्रेसर का ब्रांडिंग है, और यही हमारा फोकसिंग नॉब है जो फोकसिंग रिंग है अपना, जिसमें से हमको फोकस करना होता है। देन यहाँ पे आप स्ट्रैप लटका सकते हो, यहाँ पे ब्रेसर का कुछ टैग वैग दिया है, ब्रेसर पिर्च जो ब्रांडिंग है, और यहाँ पे लेंस कैप्स जो है आप देख सकते हो कि इसमें अटैच्ड आते हैं, तो ये घूमने का चांस नहीं है, तो आपके लेंसेज जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे हमेशा। सामने भी ब्रेसर का बी जो है ब्रांडिंग इन्होंने सभी जगह पे करके रखा है, कहीं पे नहीं छोड़ा। और ये बी जो है इसको हम लोग अनस्क्रू करते हैं, तो इसको हम अगर हमको ट्राइपॉड पे माउंट करना है तो ये जो बी है यहाँ पे हमको ट्राइपॉड माउंटिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसके साथ ट्राइपॉड माउंट का जो एसेसरी है वो प्रोवाइड नहीं कर रही कंपनी, तो आपको एडिशनल बाय करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, ये काफी अच्छा लुक देता है फ्रंट में। और यू कैन से कि इसकी जो कोटिंग्स है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कोटिंग्स की है कंपनी ने, यू कैन सी। तो फ्रंट में भी कोटिंग है जो प्राइमरी जो 42mm का ये जो अपर्चर है इन लेंस का, ये अपर्चर साइज आई कैन सी कि लेंस का साइज है, दिस इज द 42mm रहेगा ये भी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये भी जो यहाँ से हम देखने वाले ये लेंसेस भी काफी बड़े हैं, तो आपने देखने में कोई इशू नहीं होने वाला, काफी क्लियर विजन। और अगर आपको चश्मा है तो उसके लिए भी इन्होंने आई रिलीफ काफी अच्छा प्रोवाइड किया है। आई डोंट नो द साइज ऑफ दिस, बट मे बी 10mm के आसपास होगा, बट काफी अच्छा आई रिलीफ है जिन अगर आपको चश्मा है या फिर थोड़ा इश्यू होता है तो आप इसमें से देख सकते हो। इसको ऊपर करके आई रिलीफ अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। और कोटिंग की तो बात ही मेरे को यार बहुत सही लगी, क्योंकि कुछ फेस कोटिंग अब इन्होंने रही, तो कुछ डिफरेंट क्वालिटी की मुझे फेस कोटिंग लग रही है। मैं अभी थोड़ा बायनोकुलर को चेक करूंगा देख के सब, तो उसके बाद तो फाइनल आपको रिव्यू बताऊंगा और इसका प्राइसिंग भी बताऊंगा। जो इसका अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो दिखने में काफी प्रीमियम लुक देता है, होल्डिंग भी काफी अच्छी है,
काफी इसका इनर बॉडी अगर बात करूँ तो वो मेटालिक है और इसके ऊपर रबर का कोटिंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी अच्छा हमको आई रिलीफ मिलने वाला है। और ये जो फोकसिंग रिंग है यहाँ पे, ये काफी स्मूथ है, काफी स्मूथ है और काफी बड़ा है। तो आप दो उंगलियां तीन उंगलियां पकड़ के मस्त एकदम स्मूथ क्लियर विजन पा सकते हो। देन आगे भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिला है जो सभी बाइनोकुलर्स में नहीं मिलता, और यहाँ पे आप देख सकते हो फेस का कोटिंग यहाँ पे मेंशन्ड है। और ये जो क्वालिटी मुझे होल्डिंग के बाद लगा कि काफी अच्छी क्वालिटी में ये बाइनोकुलर बना है, स्टडी क्वालिटी है, मुझे बहुत पसंद आया। इसका कॉस्टिंग इज अराउंड 13,500 है, और अदर फीचर्स बताता हूँ, प्राइसिंग तो मैंने बता दिया। तो इसके सभी जो लेंसेज है, जो प्राइमरी बोलूंगा या फिर यहाँ पे रियर वाला या सेकेंडरी लेंसेज यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये सभी लेंसेज जो है मल्टी कोटेड है, फुल्ली मल्टी कोटेड है, और उसमें भी फेस कोटिंग की गई है। तो फेस कोटिंग आपको सभी बाइनोकुलर्स पे नहीं मिलती। बाइनोकुलर है, इसको हम लोग ये ट्राइपॉड पे अटैच कर देते हैं। हालांकि कंपनी इसके साथ ये जो एसेसरी है, एडिशनल एसेसरी, ये प्रोवाइड नहीं करती, बट मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इसको अटैच करके मैं थोड़ा टेस्ट करने वाला हूँ आउटडोर में, और आपको भी इसमें से जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो नाउ इट इज रेडी टू सी, रेडी टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स। और आप देख सकते हो कि इसका जो आर पार आपको इसके लेंस में से दिख रहा है, ये जो, तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है इस बाइनोकुलर में से। सो मैं हट जाता हूँ, थोड़ा सा एंगल प्रॉपर कर दिया। ऑफिस का जो डोर खुला है उसमें ही से मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, और यहाँ पे ही मैंने सेटअप किया है। तो सामने एक बिल्डिंग दिख रहा है मुझे, तो बिल्डिंग के ऊपर कुछ नेम्स है, तो ये हमको अराउंड 8x जूम प्रोवाइड करने वाला है। सो बट फील्ड ऑफ व्यू काफी वाइड होने वाला है। सो लेट्स सी, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने अभी देखा तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस कि बहुत अच्छा मुझे देखने में मजा आया। सो आपको भी दिखा देता हूँ कि तो जो सामने जो बिल्डिंग है, मेरे से अराउंड डिस्टेंस वाइज अगर बोलूँ तो 300 to 400 मीटर के आसपास है। मेरे मोबाइल से मैंने 3x जूम किया है, और सेम बिल्डिंग के ऊपर एक नेम लिखा है जो आप देख सकते हो। तो काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है बाइनोकुलर, काफ़ी क्लियरली मैं रीड कर सकता हूँ आजू बाजू की चीज़ें, और क्रोमेटिक एब्रेशन भी ना के बराबर मुझे दिखने मिल रहा है। सो काफ़ी शार्प आउटपुट मिल रहा है। और यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, बाजू जो है, बाजू वाला जो है, सो यू कैन से कि अमेजिंग रिजल्ट मिल रहा है मुझे। सो कैन से कितना दूर है मेरे से, बट ये 8x जूम है। सो हम लोग जैसे जूम बढ़ाएंगे हमारा फील्ड ऑफ व्यू नैरो होता जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमको जूम दिखने स्टार्ट होगा और थोड़ा क्लोज आ जाएगा। सो दिस इज द एक्सपीरियंस आई एम टेकिंग विद दिस बाइनोकुलर, आप देख सकते हो। लाखों लाखों में भी बाइनोकुलर्स आते हैं जैसे मेरा बात चल रहा था, लेकिन उतना स्पेंड करने वाले लोग बहुत कम है। लेकिन ये 13,000 20,000 के रेंज में जो बाइनोकुलर्स आपको मिलने वाले, काफी प्रीमियम आपको एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो ये बाइनोकुलर्स इसके प्राइसिंग को जस्टिफाई करता है। अगर आपको 8x40 बाइनोकुलर्स चूज करना है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। हालांकि ये ईडी में नहीं है, ईडी के लिए हम लोग अलग से कुछ बाइनोकुलर्स का अनबॉक्सिंग आगे करने वाले हैं चैनल पे। तो ऐसे ही बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल स्टफ का जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है आपको इस चैनल पे मिलते रहने वाला है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि कुछ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। और अगर मॉडर्न टेलीस्कोप से कुछ परचेज करना है और डिस्काउंट कूपन चाहिए तो मुझे इंस्टा पे डीएम जरूर कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बाइनोकुलर के साथ। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।